अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए किस तरीके से बूस्टर डोज को बुक करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है सेहती एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। आप अपने मोबाइल पर आ से मोबाइल पर आने के बाद प्ले स्टोर को ओपन करें और यहां सर्च ऑप्शन आप देख सकते हैं, सर्च में जाके सेहती ऐप लिख कर सर्च करें। यहाँ से इस तरीके से जो है ये आपको देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो इसे डाउनलोड कर ले, अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर ले। मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लिया हूँ, इसी वजह से मुझे ओपन करने का ऑप्शन दे रहा है। और अगर आप पहली बार सेहती एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा। यहाँ से आप देख सकते हो सेहती एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, इंस्टॉल कर लिया। इसी तरीके से आप सेहती एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से इसे ओपन कर ले। जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ से अरबी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आप पहली बार सेहती एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें, वहाँ से अपना इकामा नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह डालने के बाद उसको जो है इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करें। अगर आप सेहती एप्लीकेशन में पहले ही अकाउंट बना चुके हैं तो इसके लिए आपको साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका इकामा नंबर और पासवर्ड जो है वो मांगेगा। तो यहाँ से मैं अपना इकामा नंबर और पासवर्ड को एंटर कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो मैं अपना इकामा नंबर और पासवर्ड जो है यहाँ पर एंटर कर दिया हूँ। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो सेहती एप्लीकेशन में आप जो भी नंबर दिए होंगे उस पर OTP जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो मेरा OTP आ गया है 5858। यहाँ OTP लिखने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ जो है आपका फिंगर मांगा जाएगा, आप देना चाहें तो नेक्स्ट पर क्लिक करें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेहती एप्लीकेशन का ये पेज आपके सामने ओपन होकर आ गया है। अगर आप पहली बार सेहती एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं या आप सेकेंड डोज आपका कंप्लीट हो गया है, उसका रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए COVID-19 वैक्सीन पर क्लिक करें। यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट डोज आपने किस तारीख को लिया है, कौन सा वैक्सीन आप लिए हैं, सेकेंड डोज किस तारीख को लिए हैं और कौन सा वैक्सीन लिए हैं, यहाँ टोटल डिटेल्स आपको दिखा दिया जाएगा। आप देख सकते हो बूस्टर डोज लिखा गया है और उसके साथ बुक एंड अपॉइंटमेंट लिखा गया है, मतलब इस पर क्लिक करके आप बूस्टर डोज को बुक कर सकते हैं। तो बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज जो है ये ओपन होकर आएगा। इसमें जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो लिखा गया है, इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ सवाल पूछे जाएंगे। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम एन हाई टेम्परेचर? क्या आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, फीवर है? अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या आप किसी कोरोना मरीज के साथ पिछले 14 दिन में अटैच हुए हैं, मिले हैं? अगर आप मिले हैं तो यस करें, अगर नहीं मिले हैं तो नो पर करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका, यहाँ आप देख सकते हो सॉरी यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट बिकॉज देर आर नो अवेलेबल वैक्सीन सेंटर। इस वक्त जो है अभी वैक्सीन सेंटर जो है वो खाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि जैसे ही बूस्टर डोज दिया जाए हम ले लें और बूस्टर डोज लेने के बाद जो है वो छुट्टी जाए, ताकि आते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा, डायरेक्ट फ्लाइट लेकर आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सिंगल डोज लेकर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह चले गए थे और आते वक्त उन्हें किसी दूसरे कंट्री के जरिए आना पड़ा, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा था। तो इसीलिए लोग अब सोच रहे हैं कि बूस्टर डोज लेकर जाना अपने कंट्री में अच्छा होगा, ताकि आते वक्त जो है कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इस वक्त आप देख सकते हो मेरा कोविड वैक्सीन जो है वो बुक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इस वक्त जो है वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो आप इसी तरीके से आप ट्राई करते रहें, आपको जो है वैक्सीन मिल जाएगा।